गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, वेक्टर और स्केलर दो टाइप की क्वांटिटीज हैं हमारे पास। नाइन्थ में आपने डिस्कस किया है two type of quantities are to be there. First one is scalar quantities and second one is vector quantities. Scalar quantities क्या है? हमने वैसे इस पूरे पार्ट में vectors के बारे में ही discuss करना है, बट हम डिस्कस कर लेते हैं अभी स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं मास, हमने 2 kg का मास ले लिया तो वो डायरेक्शन के साथ थोड़ी आएगा। हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड वेक्टर क्वांटिटीज जो इस चैप्टर में मुझे डिस्कस करनी है, पूरा चैप्टर ही क्योंकि किस पर बेस्ड है, वेक्टर पर, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो डिस्कस करनी है। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास दोनों चीजें रहेंगी, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। वेक्टर क्वांटिटीज को सपोज करो कोई वेक्टर क्वांटिटी राइट डाउन करनी है तो हम उस क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन लगा दें। अब जैसे इस क्वांटिटी पर मैंने एरो का साइन लगा दिया तो ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं एरो की बात करूं तो दिस वन इज द हेड ऑफ वेक्टर and this one is the tail of vector. अगर किसी भी, अब मेरे पास 3 coordinates होते हैं जैसे एक x, y और एक z, इसी तरह vector quantities को इन तीनों coordinates के according ही हम लेते हैं i, j, k। अगर मैं सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो एक्स वाई जेड आ जाता है, लेकिन अगर वेक्टर्स में लूंगा तो आई जे और के आएगा। अब सुनना, ये आई के ऊपर कैप है मतलब ये यूनिट वेक्टर है, समझाऊंगा। लेकिन एक तो होता है सिंपल वेक्टर, सिंपल वेक्टर के ऊपर तो ये एरो लगेगा, एक है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पर आप कैप लगाओगे। आई पर कैप मतलब आई यूनिट वेक्टर, जे पर कैप मतलब जे यूनिट वेक्टर और k पर कैप मतलब k यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर लिखना होगा उसमें 3 क्वांटिटीज होंगी i, j और k। सपोज करो a वेक्टर लिखना है तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, वैसे ही रैंडमली लिखा है
यहां नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 0, 1, 5, कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर ए हो गया। अब कभी कभी मुझे वो कहेगा इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड दो वर्टिकल लाइंस के बीच में उस क्वांटिटी को आप लोग राइट डाउन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड का निशान होगा। मैग्नीट्यूड निकालना कैसे है, अंडर रूट का साइन लिखोगे, आई के आगे कितना है 2 का स्क्वायर, जे के आगे कितना है 3 का स्क्वायर, के आगे कितना है 4 का स्क्वायर। समझ गए, अंडर रूट में ही 4960 अंडर रूट 29 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये मैग्नीट्यूड निकालना यूनिट वेक्टर के लिए बहुत काम की चीज है, कल हम यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे और बाकी टाइप ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे।